नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व संवाद केंद्र मध्य प्रदेश और विश्व संवाद केंद्र मध्य प्रदेश का यह है साहित्य संवाद। आज के साहित्य संवाद के हमारे मुख्य अतिथि हैं साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के निदेशक और देश के ख्याति लब्ध साहित्यकार डॉक्टर विकास दबे जी, जिनकी ओजस्वी वाणी, कार्यों और विचारों से हम सब नित प्रति परिचित होते ही रहते हैं। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में धन्यवाद। अटल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्व संवाद केंद्र का ये पटल तो हम लोगों के लिए अत्यंत पारिवारिक पटल है और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि एक सार्थक चर्चा के लिए एक अच्छे ओजस्वी युवा रचनाकार के साथ में बैठा हुआ हूँ, ऐसा कह सकता हूँ। तो मुझे भी बहुत प्रसन्नता हो रही है इस पटल पर आपसे बात करते हुए। साहित्य संवाद के इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत की कृति यशस्वी भारत। इस कृति में उनके विभिन्न प्रसंगों पर दिए गए बौद्धिक उद्बोधन और वर्ष 2018 में विज्ञान भवन नई दिल्ली में उनके उद्बोधन के अंश, प्रश्नोत्तरी के अंश सम्मिलित हैं। सर, आपका स्वागत है। हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। चर्चा प्रारंभ करें उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि वैसे तो हमारी दर्शक दीर्घा में जितने लोग हैं उन लोगों को भी पता होगा कि यशस्वी भारत पुस्तक जो कि प्रभात प्रकाशन से आई है, ये एक प्रकार से इन दिनों मैंने इसके कई रिव्यू भी देखे हैं, इस पर समीक्षात्मक वक्तव्य पढ़े हैं और देश के स्वनाम धन्य समीक्षकों ने इस पुस्तक को लेकर के बड़े सकारात्मक और अच्छे विचार रखे हैं। इस पुस्तक को पढ़ना प्रत्येक दर्शक के लिए इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि कई बार हम सब लोगों के मन में संघ को लेकर वो भ्रांतियां घर कर जाती है जिनके कोई सर पैर नहीं होते। कुछ विरोधियों ने एक वातावरण तैयार किया, संघ के बारे में कुछ बोलना प्रारंभ किया और उसमें से कुछ भ्रांतियां तैयार होती। मुझे लगता है कि उन भ्रांतियों के निवारण के लिए इस पुस्तक का पढ़ा जाना बहुत अनिवार्य है जी। तो इस दृष्टि से भी आज हम जब इस पुस्तक पर चर्चा करेंगे तो हम सब लोगों को भी ध्यान में आएगा कि उन भ्रांतियों का समाधान इस पुस्तक में कैसे होता है और विशेष करके इन भ्रांतियों का समाधान जब परम पूजनीय सरसंघ चालक जी जैसे बड़े व्यक्ति के माध्यम से होता है तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर वो बड़ा रोचक होता है, क्योंकि श्रद्धेय भागवत जी की वक्तृत्व शैली बड़ी मीठी और चुटीली मानी जाती है और विशेष करके इस समय भारत का पूरा युवा वर्ग बहुत अपेक्षा और आशा के साथ उनको देखता और सुनता है। तो इसलिए भी इस पुस्तक पर बातचीत करने में बहुत आनंद आएगा। पहला ही सवाल है कि संघ को जानना है तो शाखा आइए, संघ क्या है? वास्तव में जैसा आपने भूमिका में कहा कि 2018 में विज्ञान भवन में दिल्ली में बड़ी संख्या में देश भर से आए हुए प्रतिनिधि उपस्थित थे और मुझे लगता है कि देश का प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक समूह उस सदन में उस समय था। राजनेता, मंत्री, डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल्स, लगभग एक प्रकार से कह सकते हैं कि लघु भारत उस सभागृह में था। तब भी ये प्रश्न हुआ था और ये प्रश्न सामान्यतया बार बार संघ के कार्यकर्ताओं से किया जाता है कि संघ यानी क्या। उस दिन भी माननीय भागवत जी ने बहुत अच्छे ढंग से इस बात को रखा था कि संघ दरअसल संघ को लेकर के एक भ्रांति जो सबसे बड़ी होती है कि समाज में संगठन है जी, जबकि भागवत जी ने बार बार इस बात का उल्लेख किया कि संघ यानी समाज का संगठन करने वाला एक संस्थान जी। और इस दृष्टि से विचार करें तो कई लोगों को लगता होगा कि ये कोई व्याकरण की शैली है, कोई साहित्य की शैली है, भाषा की बात हो रही है, में और का में क्या फर्क पड़ता है जी। लेकिन जब आप कहते हैं कि समाज में संघ, तब आप संघ को समाज से अलग कर देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज से नहीं, डॉक्टर हेडगेवार जी के समय से इस बात की चिंता करता रहा है कि वह अपना पृथक अस्तित्व नहीं दर्शाना चाहता, न रखना चाहता है जी। यानी इसको भागवत जी ने भी बड़े रोचक ढंग से कहा था और हम सब लोगों के लिए वो प्रसंग बहुत मार्मिक और प्रेरक माना जाता है। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी से एक बार एक कार्यकर्ता ने ऐसे ही एक शंका समाधान के सत्र में प्रश्न किया था जी। उन्होंने पूछा था कि संघ का काम करते हुए इतने वर्ष हो गए, हम एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, राष्ट्र को परम वैभव के शिखर तक ले जाना है, संपूर्ण हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधना है, तो पहले तो कई बार ऐसा लगता था कि यह काम हमारे देखते देखते हो पाएगा क्या। लेकिन आपने कहा कि याची देही याची डोड़ा, इसी देह से इन्हीं आंखों से अपने जीते जी भारत का परम वैभव हम देखेंगे, हमको लगने भी लगा। और अब तो 1940 के कुछ पहले तक तो संघ का जब देशव्यापी स्वरूप तैयार हुआ तो कार्यकर्ताओं को लगने लगा कि अब संघ का वैसा स्वरूप हो गया है। लेकिन उनके मन की जिज्ञासा बड़ी बाल सुलभ कह सकते वैसी थी। उन्होंने कहा संघ को कब तक काम करना है, हम लोग कब तक काम करते रहेंगे।
तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी यही समाधान दिया था जो उस दिन भागवत जी ने दिया। डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से कहा कि देखिए जिस दिन संघ समाज में समाहित हो जाएगा, समाज संघ हो जाएगा और संघ समाज हो जाएगा, उस दिन संघ की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जिस संगठन की बात करते हैं, हम संपूर्ण हिंदू समाज को जिस दिन एक सूत्र में बांध करके, सशक्त बना करके, अपनी रीढ़ सीधी रख करके, सर ऊंचा रख करके खड़ा होने लायक बना लेंगे, उस दिन संघ के काम की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि समाज ही संघ हो चुका होगा और संघ समाज हो चुका होगा जी। तो ठीक यही बात थी। और मुझे इसीलिए लगता है कि जो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न बार बार आता था कि क्या संघ को समझने के लिए संघ का साहित्य पढ़ना चाहिए, संघ के कार्यकर्ताओं के उद्बोधन सुनना चाहिए, तो उसको लेकर के भागवत जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि संघ को समझना है तो संघ में आइए। सबसे आसान तरीका यही होता है। कई बार हम लोगों को अनुभव होता है कि लोग पुराने समय में, और विशेष करके मैं बाल साहित्य का विद्यार्थी हूँ, इसलिए कई बार बच्चों को रोमांच पैदा करने के लिए कई बार कुछ रहस्यमय कहानियां लिखी जाती थी जी। उन कहानियों में कहा जाता था कि एक भूतहा महल है, एक भूतहा हवेली, एक भूतहा खंडर है, और आप लगभग 99.99% इस तरह की रहस्यमय कहानियां पढ़ते हैं तो उसका अंत कहाँ होता है। कोई एक बच्चा या बच्चों की एक टोली हिम्मत करती है कि अरे बार बार लोग कहते हैं कि भूता है, ये डरावना है, एक बार अंदर जाकर के देखते हैं कि है क्या जी। और अंततः देखते हैं कि अंदर गए तो मालूम पड़ा है कि पता नहीं कहीं पेड़ों के टकराने से आवाज निकल रही थी, उस पर कोई एक पक्षी बैठा है, उसकी आवाज को हम भूत की आवाज समझ करके डर रहे थे। तो ठीक यही स्थिति संघ को लेकर के समाज में निर्मित हो गई जी। और उसका समाधान केवल इतना ही है, जैसे उन बाल कहानियों में बच्चा भूतहा खंडर में गया और आकर के उसने कहा अरे अंदर तो बहुत सारी हरियाली है, बहुत अच्छे अच्छे चिड़िया चहचहा रही है, फूल खिले हुए, तितलियां उड़ रही है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं। तो संघ के निकट आना, संघ शाखा में आना, शाखा की पद्धति को समझना, कार्यकर्ता निर्माण की पद्धति को समझना, ये जब सामान्य जन कर लेते हैं। और एक और बात इसके साथ मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा कि संघ में आने का अर्थ नित्य प्रति दैनंदिन शाखा में आना नहीं है। कई बार लोगों को ये भ्रांति होती है कि यदि आप नेकर पहन करके शाखा नहीं गए, प्रतिदिन प्रार्थना नहीं की, तो आप स्वयं सेवक नहीं हो सकते जी। आज हम संघ के स्वयं सेवकों की जो संख्या बताते हैं, उस संख्या में हमारे जितने अनुषांगिक संगठन है, उन अनुषांगिक संगठनों में काम करने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता समाहित है। हो सकता है कोई कार्यकर्ता स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से आर्थिक जगत पर अध्ययन कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कभी शाखा में नहीं गया, लेकिन हमारे स्वयं सेवक हैं। तो कहीं मजदूरों के क्षेत्र में, विद्यार्थियों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जनजातियों की सेवा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कार्यकर्ता आते हैं। तो इसलिए यह जो प्रश्न है, इसका वास्तव में हम सब लोगों को भी थोड़ा विचार करना चाहिए कि संघ को समझना है तो संघ में प्रवेश करना है, और संघ का काम कब तक, जब तक समाज संगठित नहीं हो जाता। हाँ, एक प्रश्न और है कि मोहन जी कहते हैं कि हिंदू और भारतीय दोनों समानार्थी हैं, इसी प्रकार हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति समानार्थी है, इसे इसके बारे में आप बताएं हमें। इस विषय को लेकर के परम पूजनीय सरसंग चालक जी ने बहुत अच्छे से कई बार विषय रखे हैं, मेरा भी सौभाग्य रहा कि इस विषय को मैं उनके मुखारविंद से सुन सका हूँ। वास्तव में ये भ्रांतियाँ दरअसल तैयार हुई भारतीय समाज में हमारे कुछ वरिष्ठ नेतृत्वकर्ताओं के कथनों से। यानी मैं अगर सीधे नाम लेकर के कहूँ, मेरा कोई किसी व्यक्ति को लेकर के मेरे मन में छिद्रान्वेषी दृष्टि नहीं है, लेकिन नेहरू जी ने एक पुस्तक लिखी, भारत एक खोज, और इसी पद्धति की कई पुस्तकें हम लोग देखते हैं। बड़ा नाम है इसलिए मैंने नाम लेकर के कहा, भारत की खोज आखिरकार कौन करेगा। प्रश्न यह है कि क्या भारत किसी व्यक्ति के खोजने से खोजा जाएगा। जिस भारत के विषय में फ्रांस के सबसे बड़े कालगणना विशेषज्ञ कासिनी कहते हैं कि भारत की जो ज्ञात परंपरा है भारतीय सभ्यता की, वो लगभग 29 लाख वर्ष पुराने समय तक जाती है, इससे पुरानी कोई सभ्यता हमको दिखाई नहीं देती। ये संघ का कोई कार्यकर्ता नहीं कह रहा है, फ्रांस का एक कालगणना विशेषज्ञ कह रहा है और वैज्ञानिक आधार पर कह रहा है। इतनी पुरानी संस्कृति के बारे में हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति कहता है कि हमने खोज, हम लोग कहते हैं कई बार वास्को डिगामा आया, वास्को डिगामा ने आकर के भारत की खोज की। इन इस तरह के वाक्य पढ़ पढ़ करके भारत की जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, पाठ्यक्रमों में यही सब पढ़ाया जाता है, उनको लगता था कि इसके पहले शायद भारत था ही नहीं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति से आप जब प्रश्न करते हैं कि फिर राम कहाँ हुए, कृष्ण कहाँ हुए, चाणक्य कहाँ हुए, वास्को डिगामा के दादा जब पैदा नहीं हुए थे तब इस भारत में ज्ञान परंपरा इतनी समृद्ध थी। देखिए ऋग्वेद इस विश्व की
भारत की नहीं विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक है, सबसे पुराना ग्रंथ है, ये हम तो नहीं कह रहे हैं, ये तो यूनाइटेड नेशंस ने स्वीकारा है, है ना। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ वेद को सबसे पुराना ग्रंथ मान रहे हैं तो इस ग्रंथ को लिखने वाले लोग कौन थे? वास्को डिगामा तो नहीं थे, और न वो लोग थे जिनकी खोज में नेहरू जी ने कहा कि भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो कुल मिलाकर के हमको ये विचार करना है कि ये जो विराट संस्कृति परंपरा है जी, ये क्या है? तो कुल मिलाकर के यही भारत है, भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति। अब प्रश्न ये आता है कि ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं या नहीं है। निश्चित तौर पर ये एक दूसरे के पर्याय इसलिए हैं कि जब आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया करने जाते हैं तो इंडिया 15 अगस्त 1947 के बाद का दिखाई देता है। आपको लगता है कि इस देश के तीन टुकड़े हुए, एक पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान अलग हुआ, और हम तो अखंड भारत की बात करते हुए श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, इन सब के भी अलग होने के हमको सन पता है, ये सब भी तो हमारे अखंड भारत का हिस्सा थे, ये सब जब हमारे साथ थे। और अंततः हम लोग जब ये कहते हैं कि चलिए 29 लाख वर्ष की परंपरा न माने, लेकिन ये जो तथाकथित वामपंथी इतिहासकार कहते हैं कि 5000 साल का इतिहास भारत का ज्ञात है, आप मुझे बताइए 5000 साल पहले धार्मिक या पांथिक आधार पर हमारे यहाँ क्या क्या था? 5000 साल पहले तक न तो इस्लाम का अवतरण हुआ था धरती पर, न ईसाइयत का अवतरण हुआ था, तो अंततः था क्या? था क्या? जब आप इस पर विचार करते हैं तो आपको ध्यान में आता है कि हिंदू संस्कृति यही भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति यही हिंदू संस्कृति है। कि इसको दरअसल सिद्ध करने के लिए केवल कुछ प्रश्न करने की आवश्यकता रहती है। आपके जैसे युवा मित्र इन दिनों लगातार जब इन विषयों पर बातचीत कर रहे हैं तो मुझे याद है कि युवा मित्रों का एक कार्यक्रम हो रहा था तो उन्होंने प्रश्न किया कि आप कहते हो कि भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति, लेकिन दुनिया में तो इतनी सारी संस्कृतियां। मैंने कहा दुनिया की जो संस्कृतियां हैं अंततः वो घूम फिर कर आती कहाँ है, उनकी गंगोत्री कहाँ है। मैंने एक उदाहरण उनको दिया कि पाकिस्तान का निर्माण हो गया 15 अगस्त 1947 को, हमसे अलग हो गया। बाद में उन लोगों को लगा कि भारत के लोग अत्यंत गौरव से अपनी पुरानी परंपरा की बात करते हैं तो पाकिस्तान की भी प्राचीन परंपरा पर बात होना चाहिए जी। तो बहुत सारा पैसा पाकिस्तान सरकार ने खर्च किया, बहुत सारे इतिहासकार, लेखक, साहित्यकार उर्दू के वहां इकट्ठे किए और उन्होंने कहा कि किताब तैयार कर। उन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक पाकिस्तान का इतिहास तैयार किया, लेकिन उसका शीर्षक आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी, द 5000 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान। अब ये ग्लोरियस 5000 ईयर्स कहां से आए? जिस देश का जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ, वो अपने 5000 साल की तरफ जब झांक रहा था तो आपको आश्चर्य लगेगा उस किताब में लाहौर को बसाने वाले भगवान राम के पुत्र लव की चर्चा हो रही है, वहां आर्यभट्ट की चर्चा हो रही है, वहां वराहमिहिर की चर्चा हो रही है, वहां पर खगोल शास्त्र के, वहां के पाकिस्तान की धरती पर अखंड भारत के युग में जो आश्रम हुआ करते थे, जो ऋषि परंपरा हुआ करती थी, उन सबका उल्लेख उन्होंने किया। अब कहां जाएंगे 5000 साल जब पीछे देखना है? अब अगर पाकिस्तान ये कहता है कि ये हमारी संस्कृति है तो हमको बड़ी प्रसन्नता होती है, हमको उससे कोई परहेज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ये कहे कि भारतीय संस्कृति अलग है और पाकिस्तान की संस्कृति अलग है, तो फिर वो अपने आप को झुठला रहे हैं। अब तो विज्ञान ने डीएनए के आधार पर उन लोगों को कह दिया है कि भैया आपका और इनका डीएनए एक ही है। तो कुल मिलाकर के भारतीय संस्कृति जो है वह हिंदू संस्कृति ही है, क्योंकि आप जितना पीछे जाएंगे देखने के लिए आपके पास केवल एक ब्लैक होल जैसा रहेगा। अन्य संस्कृतियों के पास ज्ञात वर्षों में 2000-2500 साल की परंपरा है, लेकिन आप उससे पीछे जब जाएंगे तो आपको सहज रूप से यह स्वीकारना पड़ेगा कि हिंदू संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है। भले ही उस भारतीय संस्कृति में समाहित जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब आ जाते हैं जी, लेकिन अंततः इनकी जो मात्र संस्कृति है वह सब हिंदू संस्कृति है। इस बात को जितनी जल्दी हम समझ लें और स्वीकार लें यही श्रेष्ठ रहेगा। एक चीज और है कि कल्चर जो अंग्रेजी का शब्द है वो संस्कृति का पर्याय नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। वास्तव में इस विषय को लेकर के भी इस पुस्तक में 3 स्थानों पर चर्चा अलग अलग ढंग से हुई है जी। और मैं सामान्यतः केवल कल्चर और संस्कृति की बात नहीं करता। मैं अभी पिछले दिनों हम लोग साहित्य निर्माण की एक कार्यशाला के लिए बैठे थे तो वहां पर बातचीत हुई कि मातृशक्ति के प्रति हमारे दृष्टिकोण को लेकर के कुछ चर्चा करना थी, कुछ पुस्तकें तैयार करना। तो वहां पर मैंने इस बात का आग्रह किया था कि आप जब औरत शब्द का प्रयोग करते हैं जी, औरत शब्द जिस संस्कृति से जिस भाषा से आया है वहां पर उस औरत का एक अर्थ है और वो अर्थ विशुद्ध देही का अर्थ है जी। आप जब नारी कहते हैं, स्त्री कहते हैं, तो उसके पीछे उसके परिदृश्य में पूरी एक संस्कृति और संस्कार की परंपरा है।
तो जब आप कल्चर और संस्कृति की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर कल्चर को लेकर के पाश्चात्य जगत ने, चूंकि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, पाश्चात्य जगत ने सांस्कृतिक प्रतीक जो स्वीकार किए, हम सांस्कृतिक प्रतीक तक अपने आप को निश्चित नहीं रखते। हमारी तो परंपरा बहुत बड़ी है, हम अपनी संस्कृति को इतना विराट मानते हैं कि अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक आप किसी गांव में चले जाएं, आप उस प्रांत की भाषा नहीं जानते, लेकिन आप हाथ जोड़ करके राम राम करते हैं, वो आपको हाथ जोड़ करके राम राम करके जवाब देता है, हम उसको भी संस्कृति मानते हैं। वहां पर कल्चर को लेकर के जब बात होती है तो उनके कल्चर में एक सिविलाइज्ड समाज जिन जिन चीजों को अपने दैनंदिन जीवन में उपयोग करता है जी, अथवा उनके पुरखों ने उनको जो थोड़ा बहुत सौंपा है उसको लेकर के वो जो बातचीत करते हैं, उसमें धर्म अध्यात्म अपनी जगह है, उसके वो आग्रही बहुत ज्यादा है। किसी भी कल्चर की आप बात कर लें, संस्कृति में ऐसा नहीं है जी, संस्कृति विराट है, बहुत विराट है, इसकी परिभाषा भी बहुत विराट है। तो संस्कृति शब्द का मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका जो इसकी जो पृष्ठभूमि है जी, वो पृष्ठभूमि ही अपने आप में बहुत विराट है। यानी हमारे यहाँ पर आप सोचिए कि विवाह की परंपराओं को लेकर के आप बात कर लें, आप बच्चों के जन्म के गीत हो, विवाह के गीत हो, हल्दी लगाने के गीत हो, संस्कार है ना, हमारे प्रत्येक मतलब हमारे जीवन का तिल भर हिस्सा ऐसा नहीं है जो संस्कृति से आप विलग कर सके जी। उनके यहाँ पर ये व्यवस्था है जी, इसीलिए वो कल्चर को भी कई कई हिस्सों में डिवाइड करते हैं, हम अलग अलग हिस्सों में विभाजित नहीं करते जी। हमारी संस्कृति संस्कृति है और वो एक अखंड स्वरूप में एक मनुष्य के जन्म की पहली सांस से लेकर के उसकी मृत्यु की अंतिम सांस तक संस्कृति साथ साथ चलती है जी। उससे वो कभी विलग नहीं हो पाता जी। तो इसलिए अर्थ की दृष्टि से भी मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को स्पष्टता रहना चाहिए। हम अगर अंग्रेजी में कोई लेख लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, तो कल्चर शब्द का प्रयोग करना हमारी मजबूरी हो सकती है जी। लेकिन हम जब हिंदी में बात कर रहे हैं, हम अपने सांस्कृतिक अधिष्ठान की बात कर रहे हैं, वैचारिक आधार पर कोई विषय रख रहे हैं, तो प्रयास करना चाहिए कि अंग्रेजी में भी आप संस्कृति शब्द का प्रयोग करें, क्योंकि कल्चर संस्कृति का पर्याय नहीं, पर्याय नहीं जी। जैसे औरत शब्द के लिए कहा, ये बात कोई आप और हम कर रहे हैं ऐसा नहीं, हम दोनों कुल मिलाकर पत्रकारिता के विद्यार्थी, संजय सिन्हा जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने प्रभाष जी का एक बहुत अच्छा प्रसंग लिखा था सोशल मीडिया पर जी। तो उन्होंने लिखा था कि प्रभाष जी ने एक बार मुझे रास्ते में रोका, एक बड़े अखबार में दिल्ली में ये सह संपादक होते थे, वो संपादक होते थे, तो उन्होंने कहा कि तुमने आज समाचार तो बहुत अच्छा बनाया लेकिन इसके शीर्षक पर ध्यान दिया क्या, पति पत्नी के बीच में तलाक। उन्होंने कहा अगर वो पति पत्नी है तो तलाक नहीं हो सकता, मियां बीवी होंगे तो तलाक होगा, पति पत्नी होंगे तो अगर उनकी सप्तपदी हुई है तो फिर तलाक की संभावना ही नहीं है। और उसके बाद उन्होंने संजय जी को जो बात कही वो बात दरअसल कल्चर और संस्कृति के बीच का अंतर है। उन्होंने कहा कि अगर सप्तपदी हुई है, विवाह हुआ है, तो तलाक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि संस्कृत और हिंदी में तलाक का कोई पर्यायवाची शब्द है ही नहीं, क्योंकि इसका अस्तित्व ही हमारे यहाँ नहीं, मतलब भारतीय संस्कृत में तलाक जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं जी। तो कुल मिलाकर के बात यही है संस्कृति और कल्चर की। डॉक्टर मोहन भागवत जी अपने विभिन्न व्याख्यानों में और संघ शुरू से ही इस बात की मान्यता पर दृढ़ रहा है कि हिंदुइज्म नहीं है, ये हिंदुत्व है। तो हिंदुइज्म और हिंदुत्व इसके बारे में आप बताएं। विषय हालांकि बहुत विस्तृत है लेकिन संक्षेप में मैं ये बताना चाहूंगा कि इस विषय को लेकर के सामान्यतया विमर्श तब प्रारंभ हुआ, 60 के दशक की बात है, एकात्म मानव दर्शन का प्रणयन होना था जी, उस समय तक नहीं हुआ था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उस समय वरिष्ठ प्रचारक थे, बहुत अच्छे चिंतक दार्शनिक थे, तो उनसे आग्रह किया गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उनके समकालीन कार्यकर्ताओं ने, कहा कि एकात्म मानव दर्शन पर आपको कुछ उसको बताना है कि आखिरकार ये क्या है। पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि एकात्म मानव दर्शन विशुद्ध भारतीय संस्कृति आधारित दर्शन है। यानी एकात्म मानव दर्शन में आपको एक सुई की नोक बराबर ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई वाक्य नहीं मिलेगा जो विशुद्ध भारतीय संस्कृति का अधिष्ठान लिए हुए न हो। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि वो भारतीय संस्कृति पर आधारित था। यह जब आया तो इसको प्रारंभ में, चूंकि ऐसा कहा जाने लगा था कि उस समय तक पूरी दुनिया में आध्यात्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कई प्रकार के इज्म आना प्रारंभ हो गए थे। जब इज्म आना प्रारंभ हो गए तो इज्म के आने की एक परंपरा है। हम लोग जब राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, समाज शास्त्र पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि प्लेटो, अरस्तु, ऐसी परंपरा उनके यहाँ दर्शन परंपरा चलती है। वो दर्शन नहीं कहते, वो इज्म कहते हैं। अब इज्म का आना कैसा है,
एक व्यक्ति एक बात कहता है, उसकी अगली पीढ़ी आती है वो उसकी बात को निरस्त कर देती है। जब वो निरस्त करती है तो एक वाद आया, इज्म का पर्याय वाद होता है, तो एक वाद आया, उस वाद का किसी ने प्रतिवाद किया जी। अब जब वाद और प्रतिवाद दोनों आते हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस समय एक बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि जहां वाद होगा प्रतिवाद होगा तो वहां पर विवाद भी होगा जी। आप जब किसी की बात मानने को तैयार नहीं हो, आप कह रहे हो कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है, तो फिर इज्म आता है जी। आप पिछले वाले की बात को निरस्त करके अपनी बात को स्थापित करते हैं, लेकिन दर्शन में ऐसा नहीं होता। इसका एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण मुझे लगता है कि हम शंकराचार्य जी का जब अध्ययन करते हैं जी। तो आचार्य शंकर ने, आप देखते हैं कि हमारे धर्म दर्शन में जब दर्शन की परंपरा चल रही थी तो पहले द्वैत आया, किसी ने कहा कि भाई आत्मा अलग होती है परमात्मा अलग होता है, ये दो है। द्वैत के बाद अद्वैत आया जी। अद्वैत में कहा गया कि नहीं, आत्मा और परमात्मा एक ही चीज है, परमात्मा का अंश ही आत्मा है। और बड़े अच्छे ढंग से कभी कबीर ने, कभी सूर ने, तुलसी ने, मीरा ने कहा कि ये मटका है, मिट्टी का मटका है ये जो हमारी भौतिक देह है, और मटके के अंदर भी पानी भरा हुआ, और ये पानी से भरा हुआ मटका एक जलाशय में तैर रहा है जी। जिस दिन ये मिट्टी का घड़ा फूटता है, घड़े का पानी उस जलाशय के पानी में मिल जाता है, ये जलाशय परमात्मा है, घड़ा भौतिक देह है और इसके अंदर भरा हुआ पानी आत्मा है, ये इसी तालाब से भरा हुआ मटका है। लेकिन जब मटका फूटता है तो दोनों एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, आप अलग अलग नहीं कर सकते उसको, तो अद्वैत आ गया। और फिर कुछ लोगों को लगा कि नहीं, हमको द्वैत भी नहीं मानना है, अद्वैत भी नहीं मानना है, तो उन्होंने कहा द्वैताद्वैत ले आएंगे जी। तो द्वैत और अद्वैत का समन्वय करके एक तीसरा आया। हमने हजारों वर्ष की परंपरा में कभी नहीं सुना कि द्वैत अद्वैत या द्वैताद्वैत वाले आपस में लड़े हों जी, तलवार लेकर के लड़े हों, कलम लेकर के लड़े हों, एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष किया हो, तुम गलत हो मैं सही हूं, ऐसा नहीं विचारों के प्रति। हमारे यहाँ पर ये परंपरा दर्शन, तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने यही बात कही कि दर्शन दरअसल इज्म से इसलिए भिन्न है कि वो अपने से पिछली परंपरा को नकारता नहीं है, वो उसको स्वीकारते हुए अपनी बात को रखता है, और दोनों मिल करके भाई तुम भी सही हो मैं भी ठीक कह रहा हूं, अगर मेरे मुझे सत्य स्वीकार सकते हो तो स्वीकारो, अन्यथा तुम मुझे असत्य कह देना, मैं तो तुमको सत्य मानता हूं। इस उदारता को दरअसल दर्शन कहा जाता है। तो इसलिए जब आप हिंदुइज्म कहते हैं, इन दिनों ये शब्द प्रचलन में इसलिए आया कि आधुनिक पीढ़ी अंग्रेजी की दास है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में अन्यान्य पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले लोग और कई बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक, इन्होंने हिंदुइज्म कहना शुरू किया। मुझे लगता है कि आप जब हिंदुत्व कहते हैं तो उसके पीछे दर्शन समाहित होता है, दर्शन शब्द समाहित है, और इसलिए वो शब्द चूंकि इनबिल्ट है, इसलिए हिंदुइज्म कहने पर आप उसको संकीर्ण करते हैं, हिंदुत्व कहते ही आप उसको विराट बना देते हैं। ये मूलतः अंतर है, और इसलिए हम लोगों को ये बहुत स्पष्ट रखना चाहिए। हमारे संगठन में काम करते हुए हम लोग इस बात की चिंता भी करते हैं कि हम हिंदुत्व शब्द का प्रयोग करते हैं, अब इस हिंदुत्व को लेकर के किसी के मन में कोई द्वेष भाव हो, और जैसे हमारे यहाँ के अभी तथाकथित कुछ राजनेता मंचों से कहते हैं कि हमको हिंदुत्व स्वीकार नहीं है, वो दरअसल इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको खंड खंड में भारत को देखने की आदत पड़ी हुई है। ये जो टुकड़े टुकड़े वाली सोच है ना, ये सोच दरअसल हिंदुत्व को स्वीकार नहीं कर पाती। अन्यथा आप मुझे बताइए, आप पानी को जल कह दें, वाटर कह दें, पानी कह दें, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे रामकृष्ण परमहंस कह गए जी। लेकिन वो इसलिए कह पाए रामकृष्ण परमहंस कि वो हिंदुत्व को ठीक ढंग से समझ पाए थे। लेकिन जिन लोगों ने हिंदुइज्म समझा होगा वो कहेंगे कि नहीं, वाटर अलग होता है, जल अलग होता है, पानी अलग होता है। तो हिंदुइज्म और हिंदुत्व जो है, उसमें मुझे लगता है कि हिंदुत्व जो है वो एक विराट सांस्कृतिक वैचारिक परंपरा का प्रतीक है, इसलिए शब्द का प्रयोग ज्यादा ठीक लगता है मुझे, ऐसा मेरा मत है। यशस्वी भारत को पढ़ते हुए कई जगह डॉक्टर हेडगेवार जी का विस्तार से विवरण आता है, और एक ये स्पष्ट मान्यता के रूप में स्थापित होता है कि संघ में यदि हमें सब कुछ तत्वतः देखना हो तो डॉक्टर हेडगेवार जी के मानस का संपूर्ण प्रतिबिंब दिखता है, जिसे मोहन भागवत जी भी कहते हैं, तो इसके बारे में क्या कहा जाए? वास्तव में डॉक्टर हेडगेवार जी चूंकि संस्थापक सरसंघ चालक रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, लेकिन केवल इस कारण से नहीं, चूंकि आप भी साहित्य के विद्यार्थी हैं, मैं भी साहित्य का विद्यार्थी हूं, तो जैसे साहित्य क्षेत्र में एक अपेक्षा की जाती है, पूज्य भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना में आता है कि जैसे आप दिखते हैं वैसा लिखो, और जैसे आप लिखते हो वैसा आप दिखो। ये आह्वान इसलिए करना पड़ा क्योंकि इन दिनों हम देखते हैं कि साहित्य क्षेत्र में
लोग दिखाई कुछ देते हैं और लिखते पूछे, बड़े बड़े आदर्श बगारना हमको आता है लेकिन हम उस पर आचरण पर चलना नहीं चाहते। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनका संपूर्ण जीवन संघमय है। आपको संघ को लेकर के अगर एक भी जिज्ञासा आपके मन में, एक भी प्रश्न, एक भी संशय है, भ्रम है, इस प्रत्येक संशय और भ्रम का समाधान आप चाहते हो तो डॉक्टर हेडगेवार के जीवन का एक प्रसंग पढ़े, आपका समाधान हो जाएगा। और पूरे संगठन की विचारधारा को लेकर के कोई भी संशय ऐसा नहीं है जिसका समाधान डॉक्टर साहब के जीवन में प्रायोगिक रूप से आपको दिखाई नहीं देता। अब ये जब होता है तो स्वाभाविक रूप से हमको ध्यान में आता है कि परम पूजनीय डॉक्टर जी को समझना यानी संघ को समझना, और संघ को समझना है तो डॉक्टर जी को समझना अनिवार्य है। ये आग्रह इस पुस्तक में भी, और केवल परम पूजनीय भागवत जी ही क्यों, हमारे सभी सरसंघ चालकों ने ये आग्रह किया जी। दूसरे सरसंघ चालक परम पूजनीय गुरु जी ने इस बात को कहा। इसको दर्शकों को अगर हम बड़े सरल ढंग से अगर समझाना चाहें तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि जैसे संगठन की बात आती है जी, संगठन की बात आती है तो संघ की एक शाखा की एक टोली, संघ उस समय तक लगभग 40 का दशक चल रहा था परम पूजनीय डॉक्टर जी की मृत्यु से कुछ पहले, बहुत बड़े आकार में संगठन तैयार हो चुका था लेकिन एक शाखा की टोली का अस्तित्व कैसा होता है, समुद्र में बूंद जैसा। डॉक्टर साहब को पता लगा कि उस शाखा टोली के 3-4 सदस्यों के बीच में कोई मतभेद हो गया है। डॉक्टर साहब उस शाखा पर प्रवास में जाते हैं और वहां पर सरसंघ चालक जी छोटी सी शाखा पर आए तो बड़ा इवेंट उस समय के कार्यकर्ताओं के लिए था, तो सबने कहा कि आपका मार्गदर्शन चाहिए। कार्यकर्ताओं को ध्यान में आया कि वो इतने ज्यादा भावुक थे कि वो बोल नहीं पा रहे थे, गला रोंद रहा था और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों से आंसू टपक पड़ेंगे। कार्यकर्ता परेशान हो गए कि आपका स्वास्थ्य तो ठीक है, उन्होंने कहा नहीं मेरा स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा है पर आज बोलने की मनस्थिति में नहीं हूं। कहा क्यों नहीं हो? कहा मैं पूरी रात सो नहीं पाया, पूरी रात नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? कहा मैंने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? कहा मैंने सपने में देखा कि मेरा एक घर है, उस घर की दीवार टूट गई है। तो कार्यकर्ता हंसने लगे, कहा डॉक्टर साहब आप तो प्रचारक हैं, आपका क्या घर, पूरा समाज आपका घर हो गया है, संघ के कार्यकर्ता तो प्रचारक जीवन जो जीते हैं हम सब जानते हैं कि उनका तो पूरा समाज का हर घर उनका अपना घर होता है, उनका अपना तो कोई घर नहीं होता। का पहली चीज तो आपका कोई घर नहीं है लेकिन सपने में भी घर देख लिया तो उसकी दीवार टूटने से इतने दुखी हो आप क्या के लिए हो रहे हो? आप तो एक पैसे का मोह नहीं है आपको भौतिक संसाधनों का। तो उन्होंने कहा नहीं, सपने में मैंने ये देखा कि मेरा घर की दीवार तो गिरी लेकिन उस दीवार के गिरने के बाद उसकी ईंटें घर के बाहर की तरफ गिर गई। अब कार्यकर्ताओं को लगा कि मामला कुछ गंभीर है। कहा ये क्या बात कही? कहा कि मैं सपने में भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता, भले ही मेरा कोई घर नहीं है लेकिन सपने के घर की दीवार टूटे और उसकी ईंट भी बाहर की तरफ गिरे, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप होगा। मेरे रहते ऐसा कोई दृश्य मैं सपने में भी देख लूं तो मेरा जीना बेकार है। तब कार्यकर्ताओं को समझ में आया क्योंकि 2 दिन पहले उन्हीं कार्यकर्ताओं की टोली का एक कार्यकर्ता डॉक्टर साहब से कह के आया था कि मैं संघ का काम अब नहीं करूंगा, उससे मेरी पटरी नहीं बैठ रही है मेरे साथी से। अब उन सब लोगों को लगा कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। अब ये चीज क्या है, संघ को समझना है तो डॉक्टर साहब को समझना। अब आप बड़े बड़े भाषण दे ले, हमारे जैसे लोग कह दें कि संगठन ऐसे तैयार होता है, समाज का संगठन, कार्यकर्ता, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रसंग डॉक्टर साहब का आप पढ़ेंगे आपको लगेगा अच्छा इतना महत्व है कि एक एक कार्यकर्ता का, तब आपको लगता है कि हर कार्यकर्ता को जोड़ना है तो उसके लिए आपको कितनी पराकाष्ठा तक जाना पड़ता है, ये मूल विषय है। डॉक्टर साहब के जीवन में दूसरा प्रसंग इसी विषय को लेकर के उसके बाद अपना इस उत्तर को समाप्त करता हूं। डॉक्टर साहब का अंतिम समय चल रहा था, बिल्कुल लग रहा था कि मृत्यु शैया पर है और ऐसा लगा कि लोग आना बंद नहीं करते, उनसे बातचीत करना बंद नहीं करते, उसके कारण से उनको परेशानी होती है, स्वास्थ्यगत परेशानी बिल्कुल उदात्त अवस्था में थी, तो कष्ट में भी लोग उनसे बातचीत करते हैं। तो परम पूजनीय गुरु जी स्वयं डॉक्टर साहब के कक्ष के बाहर बैठ गए और उन्होंने कहा कि अब मैं किसी को मिलने नहीं दूंगा। उस समय के राजनीति के सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता व्यक्ति जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी आते हैं, वो जब आए तो उन्होंने कहा कि मुझे एक विषय पर डॉक्टर साहब से मार्गदर्शन लेना है। गुरुजी ने कहा कि उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है, आप उनसे मत मिलो। कहा नहीं मुझे उनसे ही बात करना है। तो कहा कि मैं बैठा हूं ना, परम पूजनीय गुरु जी ने स्वयं लिखा कि मुझे उस समय तक ये अहंकार हो रहा था कि मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का समाधान कर सकता हूं, मेरा ज्ञान का जो स्तर है वो इतना ऊपर है। और स्वाभाविक रूप से परम पूजनीय गुरु जी है ना, ज्ञान की पराकाष्ठा बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब संगठन
मूल्यों की पराकाष्ठा थे, ये इस प्रसंग के अंत में पता लगता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने मन का जिज्ञासा भाव रखा, उन्होंने अपना प्रश्न रखा कि ऐसा ऐसा है, मैं इस विषय में डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ। परम पूजनीय गुरु जी ने कहा कि मैंने एक घंटे तक उनको समझाया, मेरे ज्ञान को निचोड़ करके और उसका अमृत उनको दे दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, लेकिन मैंने देखा कि उनके चेहरे पर समाधान के भाव ही नहीं आ रहे थे। जी। अंदर से डॉक्टर साहब ने उनकी आवाज सुन ली, मेरी आवाज सुन ली, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप तुरंत अंदर लेकर के आओ। कौन है? कहा श्यामा प्रसाद जी आए। कहा लेकर के आओ। श्यामा प्रसाद जी ने कहा कि मैं ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहता, लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न था। डॉक्टर साहब ने बड़े उस समय चूंकि कमजोर भी थे तो अपने ढंग से उनको थोड़ी सी बात कही और वो समाधान का भाव लेकर के तुरंत बाहर चले गए 5 मिनट। गुरु जी ने कहा कि ज्ञान काम नहीं आता है, दरअसल जीवन की तपस्या काम आती है। डॉक्टर साहब का संपूर्ण जीवन एक तपोमय जीवन था। उन्होंने जो कहा उस कहे हुए शब्दों में बल किन बातों से आया? उनकी तपस्या से आया। तो डॉक्टर हेडगेवार संघ हैं, ये कहते समय आपको डॉक्टर साहब के जीवन की इस तरह की घटनाएं पढ़ना पड़ेगी, तब आपको लगेगा कि आप हम इतने सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लें और जीवन मूल्य हमारे संगठन मूल्य हमारे चरित्र में नहीं आ पाए तो ये ग्रंथ पढ़ना व्यर्थ है। जी। लेकिन डॉक्टर साहब का जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि उनके जीवन चरित्र की घटनाओं को यदि हम एक प्रतिशत भी अगर आत्मसात कर ले तो मनुष्य अपने चरित्र को बहुत बड़ा बना सकता है। जी। इसलिए डॉक्टर साहब संघ है और संघ डॉक्टर साहब है, ऐसा हम कहते हैं। जी। यशस्वी भारत में एक ऐसा प्रसंग आता है जिसमें डॉक्टर हेडगेवार जी और डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्हें आदर श्रद्धा के साथ हम सब बाबा साहेब के रूप में जानते हैं मानते हैं, उनकी भेंट का प्रसंग आता है और बाबा साहब इतने प्रभावित होते हैं कि वे संघ की शाखा के कार्यक्रम में आते हैं और अपना एक बौद्धिक भी देते हैं। लेकिन जब हम वर्तमान परिदृश्य की बात करते हैं तो जो भारत विभाजनकारी शक्तियां हैं या समाज को बांटने वाली शक्तियां हैं, वे डॉक्टर हेडगेवार और बाबा साहब अम्बेडकर को प्रायः प्रतिद्वंदी के रूप में दिखाती हैं, जबकि एक भी ऐसा प्रसंग ऐसा नहीं आता है कि जब डॉक्टर हेडगेवार के बारे में या संघ के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई आलोचना की हो। सच बात। अपने उस समय के कालखंड में वे लगातार, चाहे गांधी जी हों, नेहरू जी हों या कांग्रेस के हों, सबकी आलोचना करते थे। इसके बारे में थोड़ा सा आप सबको जरूर बताएं। वैसे तो आपके प्रश्न में भी कई उत्तर समाहित हैं ही। संघ में हम सब लोग, यानी हम तो बहुत ही छोटे छोटे से कार्यकर्ता हैं बच्चे की तरह, लेकिन हम लोगों को भी सबसे पहले जब पूज्य बाबा साहब का नाम लेते हैं तो सबसे पहली बात तो ध्यान में आती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रत्येक कार्यकर्ता सुबह उठते ही अपने वर्गों में, अपने शिविरों में, अपने कार्यक्रमों में प्रातः स्मरण बोलता है और प्रातः स्मरण की पंक्तियों में हमने ये संघ के द्वारा तैयार किया हुआ प्रातः स्मरण है। इनमें उन महापुरुषों के नाम हैं जिनको याद करने से हमारा दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है, हमारा प्रभात जो है वो अच्छा हो जाने वाला है और वो सारे चरित्र हमको प्रेरणा देने वाले, ऐसा हम कहते हैं। उसमें एक पंक्ति आती है, ठक्करो भीम रावश्च फूले नारायण गुरु जी। अब ठक्करो भीम रावश्च जब हम कहते हैं तो ये भीमराव अम्बेडकर जी को जब हम स्मरण करते हैं, मुझे लगता है कि परम पूजनीय पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के जितने अनुयायी हैं, उनको मानने वाले, उनको यह बात ठीक ढंग से समझ लेनी चाहिए कि आपने जैसा उल्लेख किया है कि पूज्य बाबा साहब ने अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी भी संघ की आलोचना नहीं की। आप देखिए कि वे जितने प्रकार के मत पंथ मानने वाले लोग हैं उन सबकी आलोचना उस समय कर रहे हैं। जी। जिस समय उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, तब जितने प्रकार के पंथ थे उन पंथ के धुरंधर विद्वान आ करके उनको इस बात के लिए कन्विंस करा रहे थे कि आप इस्लाम स्वीकार लें, आप ईसाइयत स्वीकार लें, आप सिख पंथ स्वीकार लें, आप जैन पंथ स्वीकार लें, सबको मानने के लिए उनको तैयार करने की बात हो रही थी। इसलिए क्योंकि उनके लाखों अनुयायी उनके साथ हमारे पंथ में दीक्षित हो सकते हैं। उन्होंने उस समय भी कहा था, क्योंकि वो उस समय सभी मत पंथ दर्शन सबका अध्ययन कर रहे थे और बाबा साहब तो अध्येता थे। आप देखिए वो प्रत्येक विचारधारा की, चाहे वो राजनीतिक विचारधारा हो, सामाजिक विचारधारा हो, आध्यात्मिक विचारधारा हो, उनकी सबकी आलोचना कर रहे हैं। अगर उन्होंने संघ की आलोचना नहीं की, इसका अर्थ यह है कि वे संघ के मूल विचार के साथ खड़े थे। और जैसा आपने कहा, शाखा में आए,
उन्होंने अपना उद्बोधन दिया और उनके तब तक के अनुभव गांधी जी जैसे ही थे। गांधी जी के बारे में हम जानते हैं, वर्धा के शिविर में आए और उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के कार्यकर्ता हैं क्या? तो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता ने कहा कि हम तो इस दृष्टि से कभी देखते ही नहीं, हम तो सबको हिंदू मानते हैं और हिंदू के नाते संघ का कार्यकर्ता आता है। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे मान लूं? तो कहा आप स्वयं पूछ लीजिए, हमारी तो पूछने की भी हिम्मत नहीं होती कार्यकर्ता किस जाति के हैं। उन्होंने विधिवत हाथ खड़ा करवाया तो ध्यान में आया कि कई अनुसूचित जाति के थे, कई अनुसूचित जनजाति के थे, जनजाति समाज के थे। तो गांधी जी ने भी उस समय कहा था और बाद में बाबा साहब ने भी कहा कि हम जिस जाति पाति के भेदभाव से मुक्त समाज के निर्माण का काम करने का दंभ पाल रहे थे उसको मूर्त रूप में साकार करने का काम संघ ने किया है। यह हमारे दोनों मनीषियों ने कहा जी। हम कई बार कहते हैं कि ये जो दो डॉक्टर है ना, डॉक्टर हेडगेवार और डॉक्टर अंबेडकर, महाराष्ट्र से आए हुए ये दो डॉक्टर, दरअसल इन्होंने भारतीय समाज कहें, हिंदू समाज कहें, इस समाज पुरुष की देह में जितने रोग थे उन रोगों का इलाज करने का काम किया इन दोनों डॉक्टर्स ने जी। और ये दोनों डॉक्टर समान धर्मी थे। मैं अभी 4-5 दिन पहले अधिवक्ता परिषद के कार्यकर्ताओं को कहीं संबोधित कर रहा था तो मैंने उसमें एक बात कही थी, वो बात आज मैं फिर से पुनरावृत्ति करना चाहता हूं। मैंने उनको कहा था कि पूज्य बाबा साहब के अनुयायियों को यह मान लेना चाहिए कि बाबा साहब के अनुयायी केवल वे ही नहीं है, बाबा साहब का अनुयायी हर वह व्यक्ति है जो बाबा साहब के विचार से सहमति रखता है, बाबा साहब को वैचारिक रूप से समर्थन देने के लिए उनके द्वारा निर्मित संविधान के नियमों को धर्म ग्रंथ के नियमों की तरह पालन करता है। और तब मैंने कहा था कि पूरा भारतीय समाज बाबा साहब का अनुयायी है, किसी एक वर्ग विशेष के थोड़ी है क्या बाबा साहब? अनुसूचित जाति के साथ उनको जोड़ करके रखना ये तो बाबा साहब के साथ अन्याय है, संपूर्ण भारत के लिए वो महापुरुष है। और इसलिए मैं इस बात को इस पटल पर दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जी के श्रेष्ठतम अनुयायी अगर आप कहीं देखना चाहते हैं तो आपको संघ के कार्यकर्ता दिखाई देंगे, आपको अधिवक्ता दिखाई देंगे। मैंने अधिवक्ताओं के बीच में कहा था कि अधिवक्ता क्या करते हैं? संविधान के अनुसार समाज चले इसी के लिए तो काम कर रहा है। एक वकील का काम क्या है? तो वकील सबसे बड़ा बाबा साहब का अनुयायी है। वकीलों ने कहा मुझसे अधिवक्ता होना, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। मैंने कहा क्यों नहीं सोचा? यदि हम वेदों के अनुसार चलते तो हम कहते कि वेद ऋषियों के अनुयायी हैं, हम पुराणों के अनुसार चलते तो हम कहते कि पुराणों को लिखने वाले उनके अनुयायी हैं, हम जैन दर्शन के अनुसार चलते हैं तो हम कहते हैं हम महावीर के अनुयायी हैं, हम संविधान के अनुसार चलते हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक जब संविधान के अनुसार चलने का यत्न करता है तो वो बाबा साहब का अनुयायी है। इस नाते बाबा साहब हम सबके हैं और संघ तो विशेष करके पूज्य बाबा साहब के प्रति अत्यधिक श्रद्धा भाव इसलिए भी रखता है। मैंने तो 1-2, 10-20 नहीं सैकड़ों वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के उद्बोधन सुने हैं पूज्य बाबा साहब पे। अगर ये जो तथाकथित आर्मियां बना करके घूमने वाले लोग हैं ना जो संघ को गालियां देते हैं और संघ वर्सेस फलाना आर्मी ढिकना आर्मी करते रहते हैं, वो लोग अगर उन उद्बोधनों को सुनेंगे तो उनकी आंखों से पानी बहेगा, उनको लगेगा कि पूज्य बाबा साहब के प्रति इतनी श्रद्धा हमारी क्यों नहीं है जितनी संघ के सामान्य कार्यकर्ताओं की है। वो कहते हैं बार बार कि पूज्य बाबा साहब को ठीक से समझने की आवश्यकता है। वे हिंदुत्व के विरोधी नहीं थे, अगर पूज्य बाबा साहब हिंदुत्व के विरोधी होते, उनके जीवन काल में उन्होंने 3 अखबार निकाले, हर एक अखबार में अखबार की जो पंच लाइन होती है, जैसे कोई भी समाचार पत्र का हेडर लगा रहता है उसके नीचे हम पत्रकारिता के लोग जानते हैं कि नीचे एक पंच लाइन होती है, आज की खबर, सच्ची खबर, ईमानदार समाचार, इस तरीके से एक पंच लाइन। 3 प्रकाशनों की जिसके वो संपादक थे पूज्य बाबा साहब, उसकी पंच लाइन क्या थी? एक समाचार पत्र के हेडर के नीचे गीता का एक श्लोक रहता था, 2 के नीचे ज्ञानेश्वरी के अभंग रहते थे। ज्ञानेश्वरी क्या है? ज्ञानेश्वरी तो गीता का मराठी अनुवाद है। तो आप देखिए 3 प्रकाशनों में गीता समाहित है। वो जब झंडा समिति के सदस्य के रूप में इस भारत का झंडा क्या होना चाहिए इस पर विचार रख रहे थे तो उन्होंने क्या कहा? भगवा झंडा ही हमारी सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है, भगवा ध्वज ही भारत का राष्ट्रीय ध्वज हो सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। और डॉक्टर अंबेडकर ने जब भाषा समिति के सदस्य के रूप में अपने विचार रखे तो उन्होंने कहा संस्कृत इस भारत की आत्मा है। आप देख लीजिए, मैंने पूज्य बाबा साहब अंबेडकर को समझने के लिए बाबा साहब समग्र खरीदा। कौन सा खरीदा आपको पता है? बहुजन समाज पार्टी की सरकार जिस समय उत्तर प्रदेश में थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने जिसको छापा जी। मूल विचार तो पूज्य बाबा साहब के थे, उसके 8 खंड में खरीद करके लाया जी। और उसमें मैंने ये सारी बातें पढ़ी। ये बात कोई संघ के साहित्य से तो उद्धृत कर नहीं रहा हूं।
तो प्रश्न ये कि जब संस्कृत के समर्थक पूज्य बाबा साहब है, भगवा ध्वज के समर्थक पूज्य बाबा साहब है, और पूज्य बाबा साहब जब वामपंथियों को बुरी तरह लताड़ते हैं, पूज्य बाबा साहब जब इस्लाम की बुराइयों की विकृतियों की चर्चा करते हैं, ईसाइयत के धर्मांतरण को पूरी तरीके से नकारते हुए आलोचना करते हैं, तब आपको बाबा साहब क्यों नहीं दिखाई देते? उनके इन विचारों को हम आत्मसात क्यों नहीं करते? हम वास्तव में अगर सच्चे अनुयायी पूज्य बाबा साहब के हैं तो आपको लगेगा कि अरे संघ जो कह रहा है वो और बाबा साहब जो कह रहा है उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये दोनों डॉक्टर एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी कभी नहीं हो सकते। संघ और मोहन जी भागवत सरसंघ चालक के नाते लगातार सेवा कार्यों पर बल देते हैं। उनकी इस पुस्तक में भी सेवा कार्य को लेकर के विस्तार से कहा गया। संघ के ये सेवा कार्यों के प्रकल्प और सेवा कार्य की अवधारणा क्या है, और ये भारतीय समाज को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, और इसका उद्देश्य क्या है? सेवा को लेकर के सेवा क्षेत्र के एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता एक बार एक बैठक में हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक बार उनका विदेश यात्रा का प्रवास का क्रम बना, संघ के प्रचारक थे, और वहां जब गए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवा कार्य करने वाले संगठन समाज कौन कौन से, इसको लेकर के बातचीत हो रही थी। आश्चर्यजनक बात यह हुई कि हर जगह पर मिशनरियों की चर्चा की जा रही थी, तो उन्होंने सहज जिज्ञासा से पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिशनरी के कितने सेवा प्रकल्प पूरी दुनिया में चल रहे हैं? जब संख्या बताई गई तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि इससे ज्यादा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषांगिक संगठन सेवा भारती जो है, उस सेवा भारती के अंतर्गत चलने वाले जो सेवा प्रकल्प हैं केवल भारत के, वो इससे कई गुना ज्यादा है। कहने का तात्पर्य केवल इतना कि भारतीय समाज में और विशेष करके हिंदू समाज में एक धारणा आमतौर पर है कि नीकी कर दरिया में डाल, सेवा करना है तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, उसके प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं। संघ भी सेवा कार्य करता रहा, कर रहा है, करेगा, उसका हम प्रचार नहीं करते, लेकिन इस प्रचार न होने के कारण से ऐसा मान लिया गया कि सेवा का ठेका तो कुछ ही लोगों ने ले रखा है। जबकि आप देखेंगे कि वंचित समाज के लिए, पिछड़े हुए समाज के लिए, चाहे वे दिव्यांगों के लिए, हमारे यहाँ एक सक्षम करके एक संस्था चलती है, संघ का अनुषांगिक संगठन है। जनजातियों के क्षेत्र में सेवा कार्यों के लिए हमारे कई वनवासी कल्याण आश्रम काम करता है, वन बंधु परिषद काम करता है, सेवा भारती इंटरनेशनल काम करती है, ये सारी की सारी संस्थाएं मिलकर के जितने सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, आप केवल इतना भर देखें, एकल विद्यालय संगठन के सेवा कार्यों का अगर आप आकलन कर लें, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के पूर्वोत्तर में चलने वाले सेवा प्रकल्पों का अगर अध्ययन कर लें, ये तो मैं एक एक नाम याद आते जा रहे बोलता जा रहा हूं। संघ यानी सेवा का पर्याय है। जहां जहां आप देखिए कि कहीं चरखी दादरी में एक कोई दुर्घटना होती है, वहां पर नेकर वाले लोग सबसे पहले पहुंच जाते हैं। गुजरात में भूकंप आता है, निकर वाले लोग सबसे पहले पहुंच जाते हैं। आर्मी के लोग भावुक होकर के कहते हैं कि हम लोग इतने कठोर हृदय के हैं, लेकिन हम जिन लाशों को उठाने में हिचकिचा रहे थे, सड़ गई थी, गल गई थी लाशें, उनसे दुर्गंध का भपका छूट रहा था, उनको इतने प्रेम से संघ का कार्यकर्ता मुंह पे केवल रुमाल बांध करके और लगा हुआ है। अभी कोरोना काल में हमने देखा, बिल्कुल आप बताइए कि धनाढ्य परिवारों में तक स्थितियां ये हो गई थी कि हम लोग, हमारे जैसे लोग इस स्थिति में आ गए थे कि आटा खत्म हो गया, आप क्या करेंगे। जहां पर सेवा बस्तियां हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं, गरीब परिवार रहते हैं, उस समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की क्या हालत हुई थी। लेकिन आप बताइए कोई एक प्रसंग हमने सुना क्या कि कोई भूख से मरा हो उस समय? कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या अधिक थी। ये सब क्यों हो पाया और वहां पर संघ की भूमिका क्या थी? बाद में बड़े बड़े लेख लिखे गए, टीवी चैनल्स पर हम लोगों ने देखा कि अरे ये नेकर वाले लोग आए, इन्होंने घर घर पहुंच करके, मैं केवल एक छोटा सा प्रसंग सुना करके इसका उत्तर समाप्त करता हूं क्योंकि विषय बहुत बड़ा है। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे कोरोना काल में फोन करके कहा कि साहब ये एक बड़ा अजीब तरह का घटनाक्रम मेरे यहाँ हुआ और मैं समझ नहीं पाया कि ये कैसे हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहा कि जिस समय एकदम उदात्त अवस्था में कोरोना था, लोग अपने घर की गैलरी में तक आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, घर के दरवाजों पर ताले लगे हुए थे, सड़कों पर आना तो बहुत दूर की बात है, तब एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने आवाज देकर के, वो जिस व्यक्ति ने मुझे फोन किया था उसने बताया कि मैं एक बड़ी मल्टी में रहता हूं, ओम हाइट्स नाम है उस मल्टी का इंदौर में, का उस मल्टी के बाहर आकर के उसने आवाज लगा करके कहा कि कृपा करके आप सब लोग अपनी अपनी गैलरी में आ जाइए। तो तब तक थोड़ी हिम्मत खुल गई थी तो लोग गैलरी में आया। कहा मैं डायरी पेन लेकर के खड़ा हूं, आप सब लोग
अपने घर पर काम करने आने वाले जो सहायक होते हैं, कोई झाड़ू पोछा लगाने आती है भाई, कोई बर्तन मांजने के लिए आते हैं, कोई ड्राइवर आते हैं, उनके नाम और फोन नंबर बोलते जाइए, मैं एक एक करके लिखूंगा। बोले उस व्यक्ति ने लगभग आधे पौन घंटे तक इस काम को किया। हमारी पूरी मल्टी की हर गैलरी से ये दो दो तीन तीन चार चार नाम आते थे जी, और वो उस व्यक्ति का नाम लिखता जाता था, आपका क्या नाम है जिसने दो नाम दिए हैं। और आश्चर्यजनक रूप से उन सब लोगों के मोबाइल पर, जो मल्टी में रहने वाले लोग थे, उन सब के मोबाइल पर अगले दिन फोन आता है कि बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वो जो अनाज और सब्जी और आटा दाल भेजा था वो सब हमको मिल गया, अगले एक सप्ताह की चिंता तो खत्म हो गई। और वो जो आए थे उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे भेजा है। जिनके नाम मल्टी में रहने वालों के नाम पूछे थे, उनका नाम लेकर के वो एक व्यक्ति गया और उनके घर के कर्मचारियों के घर पर जाकर के अनाज और दाल सब्जी देकर के। वो कौन होता है? और वो व्यक्ति संघ का स्वयंसेवक है जी। बाद में मैंने कहा आप कौन से क्षेत्र में रहते हो? मैंने कहा मैं अभी पूछ करके बता दूंगा। लेकिन बाद में उनको मैंने फोन करके कहा कि भाई मुझे पता लग गया कि वो कार्यकर्ता कौन है। हमारे अविनाश जी वहां पर उस समय पहुंचे थे ओम हाइट्स पर, और मुझे तो पता था कि चूंकि हम सब लोग लगातार जुड़े हुए थे तो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, मेरी त्रुटिवश इस बातचीत में नाम निकल गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया भाई साहब वो पूछे तो मेरा नाम मत बता जी। ये दरअसल संघ है, इसे प्रसिद्धि सेवा सेवा प्रसिद्धि परांगमुख होकर के सेवा करना, ये संघ है। एक और प्रश्न है, संघ में मातृ शक्तियों की क्या स्थिति है? और यशस्वी भारत को ही जब हम पढ़ते हैं तो मोहन जी लगातार भारत के अपने स्त्री विमर्श पर जोर देते हैं, तो भारत का अपना स्त्री विमर्श क्या होना चाहिए और संघ में मातृ शक्तियों या स्त्रियों की क्या स्थिति है कार्य के आधार पर, उसके बारे में जरूर बताएं। देखिए हम जब मातृशक्ति के संघ कार्य में अवदान की बातचीत करते हैं तो इसकी परंपरा तो एकदम प्रारंभिक काल से रही है। दरअसल ये भ्रम भी बार बार वही बात आती है कि कुछ लोग भ्रम खड़ा कर देते हैं, अपने यहाँ के एक विपक्ष के युवा राजनेता हैं, उन राजकुमार ने कह दिया कि संघ जो है वो महिलाओं को क्यों नहीं लेता जी। उन्होंने राष्ट्र सेविका समिति के बारे में कभी पढ़ा नहीं होगा। राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना कब हुई और किन की प्रेरणा से हुई ये उनको पता नहीं। वंदनिया मौसी जी जिनको हम कहते हैं, जो आद्य सरसंघ चालिका है, उसका भी शॉर्ट फॉर्म RSS ही होता है, राष्ट्र सेविका समिति का। वहां पर विशुद्ध मातृशक्ति है, मातृशक्ति सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करती है और संघ के साथ समानांतर रूप से अब मातृशक्ति काम करती है। संघ की दैनंदिन शाखा दरअसल एक ऐसा उपक्रम है जहां पर आपके जैसे मेरे जैसे युवा पुरुष वर्ग के लड़के ये सब कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं। अब वो लोग शाखा का उदाहरण देते हैं कि इस शाखा में महिलाएं और लड़कियां क्यों नहीं आती। मेरा ऐसा कहना है कि हमारे समाज में एक सामान्य धारणा है, हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में महाराष्ट्र में भी परंपरा है कि महिलाएं अंतिम स्थल पर दाह संस्कार में जाती, लेकिन 90% समाज में यह व्यवस्था है कि केवल पुरुष वर्ग दाह संस्कार के लिए जाता है, मृत्यु महिला की हुई हो या पुरुष की हुई हो। हमने कभी यह कहा क्या कि वहां पर शमशान घाट में अंतिम क्रिया स्थली पर महिलाएं क्यों नहीं जाती? इसलिए नहीं जाती कि सामान्यतः एक परंपरा बन गई है, पुरुष थोड़ा सा कठोर हृदय माना जाता है, लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं कि बहनों ने भी उसी प्रकार का साहस दर्शाया, तो भारतीय समाज ने बड़े सहज ढंग से कंधा देती हुई बेटियों के चित्र अखबारों में छपे हुए देखे। हमारी बेटियां जाकर के माता पिता को मुखाग्नि दे रही है क्योंकि बेटा नहीं था। तो कहने का तात्पर्य भारतीय समाज की महिलाएं सशक्त हैं। संघ में उन सभी बहनों का अवदान आप सेवा भारती में देखेंगे तो पूर्णकालिक कार्यकर्ता सेवा करने वाली बहनें, आप देखिए सेवा बस्तियों में टीनेजर्स बेटियों को स्वास्थ्य की दृष्टि से अवेयर करने का काम कौन करती है? हमारी बहनें ही तो करती है। उन विषयों को लेकर के क्या पुरुष कार्यकर्ता जाएगा? क्या नहीं जाते? लेकिन बहनें इतनी बड़ी संख्या में काम करती, लेकिन कुल मिलाकर के बात वही आती है। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के समय से एक परंपरा बनी हुई है कि कोई अगर आप पर प्रश्न खड़ा करता है तो उस प्रश्न का उत्तर हमको देने की आवश्यकता नहीं। आप देखेंगे कि मीडिया में राजनीति वाले लोग जितने प्रश्न खड़े करते हैं संघ कभी जवाब नहीं देता। क्यों नहीं देता? गुरुजी ने एक बार बड़े अच्छे ढंग से कहा था, गुरुजी ने कहा था कि जिस दिन संघ पर किए हुए प्रश्न का उत्तर संघ स्वयं देने लगेगा उस दिन समाज उत्तर देना बंद कर देगा। आज क्या होता है पता है आपको?
आप और मैं संघ के लोग हैं, मान लीजिए कि 10 लोग ऐसे हैं जो संघ से जुड़े हुए नहीं है, स्वयं सेवक नहीं है, शाखा में नहीं जाते, किसी अनुषांगिक संगठन में नहीं जुड़े हैं, लेकिन उन 10 लोगों को पता है कि संघ की कार्यशैली क्या है, कार्य पद्धति क्या है। जब कोई कहता है कि संघ के लोग गलत हैं, खराब हैं, बेकार हैं, तो क्या होता है कि वो जो शेष जो 10 लोग हैं जो संघ से नहीं जुड़े हैं वो कहना शुरू करते हैं, नहीं तुम गलत कह रहे हो, संघ ऐसा नहीं है, संघ का कार्यकर्ता नहीं बोलता है। ये जिस दिन कहने लगेगा लोग कहेंगे अपने प्रश्न का उत्तर संघ खुद दे रहा है, संघ ने काम को उत्तर ही नहीं देना, आपको दिख रहा है ना संघ, आज से तो नहीं, अब तो 100 साल का हो रहा है संघ, 1925 से 2025 तक 100 साल की यात्रा पूरी करने वाला है। हम शताब्दी वर्ष में अगर ये कहने लगे कि हम सही हैं, हम ठीक कर रहे हैं या हम ऐसा कर रहे हैं, तो फिर हमारा काम करना व्यर्थ है। समाज देख रहा है, समाज बताएगा कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभ्य समाज, पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे लोग, हर व्यक्ति ने कहा अरे भैया संघ में महिलाओं की संख्या कितनी बड़ी। आज अगर हम ये मान लें कि कुल मिलाकर के अगर इतने 100 कार्यकर्ता है, तो उन 100 कार्यकर्ताओं में संघ के काम से जुड़ी हुई लगभग आपको 40-50 महिलाएं दिख जाएगी। बराबरी से मातृशक्ति हमारे यहाँ काम करती है, विद्यार्थी परिषद में है, विद्या भारती की अकेली की आप अगर बात करें, तो आप पूरे भारत के आचार्यों की संख्या निकाल लें, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाने वाले, तो उन आचार्यों की संख्या में संभवतः दीदियों की संख्या आचार्यों से ज्यादा है। केवल एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, सेवा भारती की भी स्थिति शायद यही निकलेगी, अन्य विद्यार्थी परिषद में हमारी बहने कार्यकर्ता बड़ी संख्या में। तो प्रश्न ये कि कुल मिलाकर के शाखा पद्धति में बहने नहीं आती है चूंकि वो, लेकिन बहनों की शाखा लगती है, राष्ट्र सेविका समिति की अपनी शाखा है। कल को अगर वो व्यक्ति उठ करके कह देगा कि राष्ट्र सेविका समिति की शाखा में पुरुष क्यों नहीं जाते, तो अब उसका जवाब हम दें क्या? जहां बहनों की शाखा है वहां बहने खेलती है, व्यायाम करती है, योग करती है, जहां पुरुषों की शाखा है वहां पे पुरुष करते हैं। समझ का फेर है कुल मिलाकर के, लेकिन मातृशक्ति का अवदान संघ के कार्यक्रम में उसके कार्यों में बिल्कुल बराबरी से दिखाई देता है, ये समाज देख रहा है। चर्चा के एक अंतिम प्रश्न की ओर हम चलेंगे। प्रश्न आता है कि संघ राजनीति में भाग नहीं लेता है, संघ स्पष्ट रूप से राजनीति से पृथक है, लेकिन राष्ट्र को प्रभावित करने वाले राष्ट्रीय हित के जितने भी मुद्दे होते हैं उन पर संघ की अपनी एक स्पष्ट मान्यता होती है। इसी को लेकर के कई बार संघ पर प्रश्न उठाए जाते हैं, जैसे कि वर्ष 2018 में ही डॉक्टर मोहन भागवत जैसे उसे प्रश्नोत्तरी सत्र में ही प्रश्न पूछा गया कि संघ का राजनीति से जब लेना देना नहीं है तो भाजपा के जितने भी संगठन मंत्री होते हैं वो संघ से ही क्यों जाते हैं। तो थोड़ा सा संघ और राजनीति के संदर्भ में आप बताना चाहें। पहले तो उस प्रश्न का जो उत्तर माननीय भगवत जी ने दिया था वो बहुत बड़ा तार्किक भी था, और उनकी तो मैंने कहा ना चुटीली शैली है, हास्य बोध उनका बहुत उन्नत है जी। तो उन्होंने कहा था कि जो राजनीतिक दल उस विचार का अनुपालन करते हैं जिस विचार के हम मानने वाले हैं, उस राजनीतिक दल का हम समर्थन करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरा राजनीतिक दल भी अगर वही विचार मानने लगेगा तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, हम उसका भी करेंगे, क्योंकि वो हमारे विचार के अनुकूल होगा या हमारे विचार के निकट होगा। उन्होंने कहा था कि भाजपा में संगठन मंत्री आरएसएस से जाते हैं, ये प्रश्न हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि संघ के पास तो इतने कार्यकर्ता हैं कि हम कांग्रेस को भी संगठन मंत्री दे सकते हैं, हम बसपा को भी दे सकते हैं, हम सपा को भी दे सकते हैं, वो मांगे तो जी। अब वो हमसे दूर भागते हैं तो ये गलती उनकी है, वो हमसे मांगे तो हम उनको भी कार्यकर्ता दे सकते हैं। एक दो प्रसंग छोटे छोटे इस विषय को समझने के लिए मैं आपको बताता हूं, और बड़े मनोरंजक प्रसंग है। संघ में ये प्रश्न लगातार बार बार आता रहता है, हमारे कार्यकर्ताओं के मन में भी संशय होता है, लेकिन उन प्रश्नों के उत्तर हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने बड़े अच्छे ढंग से दिए, कभी प्रायोगिक ढंग से दिए, कभी सैद्धांतिक ढंग से दिए। तो एक किस्सा तो बताते हैं कि इंदिरा जी के समय का है, इंदिरा गांधी जी जिस समय थी, तो चूंकि कांग्रेस को हमेशा लगता रहा कि संघ का कार्यकर्ता बड़ा संगठक योजक होता है, तो उन्होंने परम पूजनीय गुरु जी से बातचीत की कि आपके यहाँ पर प्रशिक्षण ले लेने के बाद कार्यकर्ता का जो चारित्रिक विकास होता है, सांगठनिक विकास होता है, ऐसे लोग हम अपने यहाँ भी रखना चाहते हैं। तो गुरु जी ने कहा कि आप कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रशिक्षित करके भेजेंगे। और इंदिरा जी के समय पर 2-3 कार्यकर्ताओं का नाम तय हुआ कि ये बहुत अच्छे चिंतक विचारक हैं, तो इनको भेज करके वहां पर प्रशिक्षण दिलवाया जाए। अब वो बड़ा हास्यमय मामला है, लेकिन हुआ ये कि ये जो 3-4 कार्यकर्ता आए थे प्रशिक्षण के लिए, उस एक माह का प्रशिक्षण करके जाने के बाद उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस में काम नहीं कर सकते।
उन्होंने कहा कि ये आप कौन से विचार को लेकर के चल रहे हो, ये विशुद्ध संस्कृति द्रोही विचार है, भारत द्रोही विचार है, तो इनका समर्थन करके हम संगठन खड़ा करेंगे तो क्या भारत को रसातल में ले जाना है क्या जी? तो भारत को परम वैभव के शिखर पे ले जाना है तो इस विचार को आप पहले त्यागो तो हम काम करेंगे। तो कुल मिलाकर वो उनके हाथ से फिसल गए। तो तब तय कर लिया कि आप संघ में नहीं भेजना अपने कार्यकर्ताओं को। एक और वास्तविक प्रसंग है, संजय गांधी जी ने सेवा दल का जब थोड़ा सुधार की प्रक्रिया की, उन्होंने कहा कि सेवा दल को मैं आरएसएस के कार्यकर्ताओं के समकक्ष खड़ा करूंगा। तो कहा बहुत अच्छी बात है, तो क्या करना? तो अब समानता लाने के लिए दरअसल विचार और संस्कार की जरूरत होती है। उनको ऐसा लगा कि वेश से समानता आ जाएगी, उन्होंने सफेद शर्ट और सफेद नेकर तय कर दी। अब गणवेश तय कर दिया तो मालूम पड़ा कि एक दिन कई कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद मुर्दाबाद हड़ताल नारेबाजी कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यालय पे। क्या हुआ? तो बोले ये सारे लोग आए हैं कि ये कपड़े गंदे हो जाते हैं तो इसको धुलवाने का पैसा कौन देगा, ये जेब से पैसा खर्च करेंगे क्या? तो इसको गणवेश को धोने का पैसा हमको दो, इसका प्रेस कराने का पैसा हमको दो, तब जाकर के हम सेवा दल का काम करेंगे। तो हम लोग भी कई बार मजाक में, जब वो प्रसंग आया था तो उस समय के संघ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि संघ की स्थापना को इतने वर्ष हो गए, गणवेश अपने पैसे से सिलवाना, धोना अपने पैसे से, प्रेस अपने पैसे से करना है, संघ का कार्यकर्ता यानी क्या? तो देना ही देना है, लेना कुछ भी नहीं है, संघ से मिलता कुछ नहीं है। जिन लोगों को ये भ्रांति है ना कि संघ में आने के बाद प्लेटफार्म की तरह संघ का उपयोग कर लेंगे और ट्रेन पकड़ लेंगे, कभी राजनीति की ट्रेन पकड़ लेंगे कभी ये, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों की। सबको तपाना और गलाना पड़ता है, स्वयं को तपाना पड़ता है। आपको अपना निजी समय देना है, आपको अपना निजी पैसा खर्च करना है, जेब का पैसा खर्च करना है, और परिवार को देने वाला समय भी आपको संगठन को देना है, तब तो संघ का काम होता है। तो ये कठिन तप है, ये कोई आसान काम नहीं है समाज का काम करना, इसके लिए गलना पड़ता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण समाज को देने वाले कार्यकर्ता संघ तैयार करता है। तो बीज की तरह अपने आप को गलाना, अपने आप को समाप्त कर देना, तब जाकर के संगठन का वटवृक्ष तैयार होता है। एक अंतिम किस्सा सुना करके इस विषय को खत्म करता हूं, उससे हमारी धारणा स्पष्ट होगी कि राजनीति का क्षेत्र और संघ का क्षेत्र। एक कार्यकर्ता ने माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी से ये प्रश्न किया था, भारतीय मजदूर संघ, सर्वपंथ समादर मंच, ऐसे सारे संगठनों के संस्थापक ठेंगड़ी जी माने जाते हैं। तो ठेंगड़ी जी से प्रश्न किया कि जब राजनीति का क्षेत्र ऐसा है कि वहां की राहें रपटीली है ना, जैसे अटल जी कहा करते थे, तो हम अपने कार्यकर्ता को वो भेजते क्यों है? राजनीति में जाने के बाद स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव तो राजनीतिक क्षेत्र का पड़ ही जाता है। तो उन कार्यकर्ता का ऐसा मानना था कि संघ का कार्यकर्ता जब राजनीतिक क्षेत्र में काम करने जाता है तो वो मूल संगठन की धारणाओं से कहीं थोड़ा सा बाएं दाएं तो नहीं हो जाता, तो हम भेजना ही बंद कर दें। तो ठेंगड़े जी ने कहा कि उनके प्रश्न का उत्तर देने के बजाय उन्होंने पूछा, आपका घर है? कहाँ है? तो घर में क्या क्या है? तो उन्होंने कहा कि घर में बैठक कक्ष भी है, शयन कक्ष भी है, चौका भी है जहां पर भोजन बनता है, अच्छा अच्छा ये सब है, पूजा घर भी है, अच्छा ये सब है, और बोले शौचालय है, अच्छा अच्छा शौचालय कैसा है? कहा बहुत आरामदायक है, नया घर बना हुआ है, व्यवस्थित है। तो अच्छा, तो जाते हो वहां पर? कहा जाते ही है, शौचालय से जाना ही पड़ता है। तो कहा कि मत जाया करो। तो कार्यकर्ता आज कचा गए, नहीं जाया करो, ऐसा कैसे होगा? शौचालय में नहीं जाएंगे तो बीमार नहीं पड़ जाएंगे, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, जाना तो मजबूरी है, शौचालय में तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मजबूरी है, जाना है, तो फिर कितनी देर बैठते हो? कैसी बात कर रहे हैं आप, जितनी देर बैठते हैं आमतौर पर शौचालय में गए और जैसे ही काम समाप्त हुआ वापस बाहर आ जाते हैं। कहा बाहर आते हो ना? कहा देखो, अगर तुमको ऐसा लगता है कि राजनीति का क्षेत्र बहुत बुरा है, समाज के पूरे समाज में अगर तुम राजनीति का स्तर इतना नीचा मानते हो, तो ऐसा मान लो कि वो शौचालय है घर, वहां पर उतनी देर के लिए जाना आपकी मजबूरी है, आपका जाना जरूरी है, समाज जागरण करना है, अच्छे दल को मत देना है, मतदाताओं में जन जागरण करना है, तो संघ को भी काम करना पड़ेगा। राजनीतिक क्षेत्र को शुचिता प्रदान करना है, मर्यादा प्रदान करना है, राजनीतिक क्षेत्र का प्रक्षालन करना है, उनके वैचारिक अधिष्ठान को दृढ़ करना है, तो संघ के कार्यकर्ताओं को जाना पड़ेगा। लेकिन वहां जाकर के आप मोह माया में फंस जाओ, शौचालय में आप दिन भर व्यतीत करने का सोचने लगो तो ठीक नहीं है। आप जाओ, शरीर स्वस्थ रखने जितने समय आपको बैठना है बैठो, वापस आ जाओ। तो संघ का कार्यकर्ता कुछ समय के लिए, और इसलिए हम लोग कई बार कहते हैं, हम लोगों को भी कई बार चुनाव के समय पे काम करने के लिए जाना पड़ता है, तो हम लोग बड़े लोग पूछते हैं कि साहब कितना समय देते हो, तो हम कहते हैं जिस दिन मतदान होता है
तो मतदान समाप्त होने का जो समय है बस उतने ही समय तक राजनीतिक चिंतन हमारे दिमाग में रहता है, उसके बाद हम पलट करके ये भी नहीं देखते कि वहां पर परिणाम क्या है, किस व्यक्ति की जीत हुई, किस व्यक्ति की हार हुई, ये सब हमारे दिमाग में होता ही नहीं है। तभी तो दीनदयाल उपाध्याय जी से एक बार किसी ने प्रश्न किया था कि अपने कितने लोग जीत करके संसद में आने वाले हैं, जनसंघ की स्थापना के बाद की बात है, तो उन्होंने कहा सारे के सारे सभी। तो उसने कहा कैसी बात करते हो, जनसंघ तो अभी अभी स्थापित हुआ है, हमारे तो गिने चुने एक दो सांसद भी आना कठिन रहते हैं पूरे भारत में से, और आप कह रहे हो सभी के सभी। तो बोले आपने प्रश्न क्या किया, हमारे आपने कहा कि हमारे कितने लोग आने वाले, अपने कितने लोग। तो बोले वहां कांग्रेस का या बाकी जितनी पार्टियां हैं उन सबसे जीत करके आने वाला प्रत्येक सांसद हमारा अपना है, ये संघ की सोच है। वैचारिक आधार पर भिन्नता हो सकती है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति हमारा अपना है, वो मुस्लिम भी होगा ईसाई भी होगा तो भी हमारा अपना है, बाकी पंथ तो आप छोड़ ही दीजिए, अगर वो अन्य धर्म को मानने वाला व्यक्ति अन्य पंथ को मानना उसको भी हम अपना ही मानते हैं क्योंकि वो भारत का है, भारत का प्रत्येक नागरिक हमारा है। तो दीनदयाल जी ने कहा कि तुमने ये नहीं पूछा कि जनसंघ के कितने सांसद आएंगे, अपने कितने आएंगे, तो सब अपने हैं, और अगर जनसंघ का पूछ रहे हो तो फिर जितने जीतेंगे वो जीतेंगे, दो आएंगे चार आएंगे पांच आएंगे उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बाकी सारे लोग अपने हैं। ये संघ का मूल राजनीतिक सोच है, राजनीति को लेकर के हमारा चिंतन केवल ऐसा रहता है। साहित्य संवाद के इस कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन भागवत की पुस्तक यशस्वी भारत के बारे में आज विस्तार से हमारे साथ चर्चा की डॉक्टर विकास दवे जी ने, हम आपके आभारी हैं, और फिर मिलते हैं किसी नई पुस्तक के साथ साहित्य संवाद के अगले कार्यक्रम में किसी विशेष अतिथि के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, धन्यवाद।